जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू फिजिक्स मेड इज ओडिशा। आज गोटे सुपर एमसीक्यू सीरीज अपकमिंग सीएचएसई नहींकि आसी, तो दमदार बवाल सीरीज रोक। चलो तो बिना कि आरंभ करवा। हेलो छोड़ू, हरिवर बोलते, सभी पढ़ु सभी पढ़ु। गोटे कटक इनिट्यूट टर्क्र मत गोटे छुआ पठाइला, सार यही पेपरटा डिस्कसन करूँ, इंपोर्टाट अच्छी सीएचएसई। चलो तो आरंभ करवा। तो देखो सी जो पठाइला मुझे 30 क्वेश्चन मो पार अच्छे, मैंने आउ सब क्वेश्चन ओमिट होता, तो 30 क्वेश्चन आम डिस्कसन करदा। ठीक अच्छे, चलो तो आरंभ करवा। न्यूमेरिकल सीरीज छुआ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोक। देखो तो एक नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देखो, कही 4 चार्जेस आर एरेज एट द कर्नर ऑफ ए स्क्वायर एज शोन इन द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ द स्क्वायर है यहाँ, से डायरेक्शन क्वाड हे, तो ए बी ए पॉइंट सी भूली जाइए छुआ मैंने। ओके छुआ मैंने देखो तो 3Q चार्ज देखा, आम देखा प्लस क्यू चार्ज। जो साइड में चित्रटा करी छुआ मैंने, सब 3Q अच्छी डायगोनल अपोजिट अच्छी प्लस क्यू छुआ, डायगोनल डिस्टेंसटा यहाँ जहाँ ये हम कहते हैं ए बाय रूट टू, कहीं जब डिस्टेंस में ए ना सब साइड का देन छुआ मैंने डायगोनल रूट टू आसो अधा कहते ए बाय रूट टू। तो आम देखो किसी करा दरकार नहीं, 3Q कुआटे पड़ो फर्स्टा, ये पड़ो क्यूपाई कौपटे पड़ो छुआ मैंने कलर यूज करते हैं क्यूपाई कौपटे पड़े ये पड़ो। तो नेट इफेक्ट छुआ फर्स्टा कौपट रहा 3Q डोमिनेट कर ना, कहीं बेसी चार्ज अच्छी बेसी, तर नेट फोर्स ये पड़ो, तर नेट फोर्स यही पार्ट्रे आई क्या पड़ो ना ये नेट पड़ो ठीक है कमी जो कि नेट एपटे पड़ो। तापर देखो तो 4Q आ 2Q, देखो 4Q आ डायगोनल 2Q अच्छी, 4Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड पड़ो, 2Q पे आउटवर्ड पड़ो, तो एम कैनसल लेकिन नेट इफेक्ट कुआटे पकेबे ठीक है, कैनसल करदे अल्प अल्प कैनसल हो जाए, तार छुआ डोमिनेट कर 4Q कर नेट इफेक्ट एपटे पड़ो, तार नेट आग पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहीपटे पड़ो, जो 4Q एक्स्ट्रा अधिका अच्छी 2Q टू तक दुईटा एमती अच्छी भितर छुआ एंगल सपोज थी एंगेल गोटे थी देन छुआ नेट कुआटे पड़ो ये जी आम सी डिरेक्शन देखिए कौन पड़ो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आम धरिया दरकार नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्मुला फर्मुला किसी धरिया दरकार नहीं, डायरेक्टली आम देखिपर जे फर्स्टा ये पड़ो देन आम कहीपर जे कौन छुआ मैंने आमर नेट सेंटर देखिए आम जो फर्स्टा क्वाड इलेक्ट्रिक फील्ड कोपर डिरेक्शन थी डीसी डी रू सी आड़ को तेरे कैटा अप्सन हम डीसी डीसी जो करेक्ट आंसर राइट आंसर हम कैटा अप्सन ए। तापर दुई नंबर कौन कही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आउटसाइड पॉइंट ऑफ द थिन स्फेरिकल सेल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, सेल मान छो मैंने कौन गोटे फंपा सेंटर गोटे सपोज आर डिस्टेंस अच्छी बाहर एक्सटर्नल पॉइंटा से आम गॉसियन सरफेस आंके देन छो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्मुला कैसे आसे स्फेरिकल सेल पर KQ by small r square बा कह जाए 1/4πε0 Q/r² कौटा हे ऑप्शन ए Q/4πε0r² इनसाइड स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मन रखते हैं तो इनसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आसो है ऑन दि सरफेस KQ/r² आसे मन रखता तीनटा कथ। ताप देखो तीन नंबर कौन कही ए फॉर्म्युला कैपेसिटर इज चार्ज टू 400 वोल्ट एनर्जी स्टोर के आसे एनर्जी स्टोर कैपेसिटर के आसे U = 1/2 CV² सी दे छुआ मैंने के 4μF के 4μF दैट इज योर 4×10⁻⁶F फराड छुआ मन रखता है कैपेसिटर यूनिट है फराड ताने 5×4×10⁻⁶ बीटा छुआ पोटेंशियल के 400 तो 400² हो दुई कले दुई दिन चार तो 2×10⁻⁶ ये कैसे हम 16×10⁴ हो तो दुई कले सिक्सटा के 32×10⁻², सो 0.32 जूल आसो एनसर के 0.32 जूल तो तीन नंबर ऑप्शन 3 हम। ओके देखो चार नंबर जैड लेट जमार कर जल्दी जल्दी करवा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला कहते E = F/Q फोर्स फॉर चार्ज फोर्स डायमेंशन कहते M1 L1 T-2 बाय चार्ज कहते छुआ A1 T1 तार छुआ कहते जो M1 L1 T-3 ऊपर पड़े F-1 तार कहते M1 L1 T-3 ए इनवर्स तो चार नंबर ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर हे। तापर देखो पांच नंबर कौन कही एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड ए होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मीडियम छुआ होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मैंने सब डिरेक्शन तार इफेक्ट सेम थी वेलोसिटी भी सेम थी जहाँ भी थी सेम थी इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबटे सेम पड़ थो सब डिरेक्शन होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मीडियम मैंने द इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन छुआ मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस सब पॉइंट पोटेंशियल सेम थी जब आर डिस्टेंस आम स्पीड आंकड़ा पॉइंट चार्ज रू है तेज छुआ मैंने सब पॉइंट रेड रेडियस सब जगह कैसे पोटेंशियल आसो KQ/r तो गोटे पॉइंट चार्ज पर स्पीडटा कौन आस गए इक्विपोटेंशियल सरफेस आसे सब पॉइंट पोटेंशियल सेम थी तरह कि स्फेरिकल सेल आसो ठीक अच्छे बहुत हाईपर सेल तो स्फेरिकल सेल आम स्फेरिकल आसो किस तार इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सब जगह पोटेंशियल सेम थी इक्विपोटेंशियल सरफेस वार्ड नंबर चार्ज जीरो आसे इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड परस्पर 90° था परपेंडिकुलर मन रखिए। तो छ नंबर क्वेश्चन देखो छुआ मैंने छोर पोटेंशियल दे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते V = -5x
प्लस टू तेज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला के माइनस डि बै ड एक्स आई के डाला पार्शियल डेरिवेटिव डी भी लिखिपर तेरे माइनस डी बै डी एक्स डेरिवेटिव के छुआ मैंने माइनस फाइव बै एक्स प्लस टू के आसो आई केफ हो आई केफ डायरेक्शन एक्स एक्स खाली अच्छे पोटेंशियल छुआ डेरिवेटिव के आसो प्लस माइनस फाइव बै एक्स स्क्वायर हो प्लस जीरो कहीं छुआ मैंने कन्स्टांट डेरिवेटिव जीरो मन रखता छुआ मैंने ये है माइनस हो माइनस जीरो जीरो एमती लिख दिखाँ जीरो न लिखले चलो कहीं बार गोटे माइनस अच्छी ओके तेत छुआ मैंने यहाँ माइनस फाइव बै एक्स स्क्वायर आई केफ एवं देखो पॉइंट के टू जीरो जीरो पॉइंट छुआ टू जीरो जीरो पॉइंट मैंने एक्सटा टू अच्छी वाईटा जीरो अच्छी जेडटा जीरो अच्छी तरह एक्स पॉइंटा टू अच्छी तेज माइनस फाइव बै टूर स्क्वायर फोर आई केफ जब आम काटा चार चारि चार चार पंचा कोड़े ओके तरह के इलेक्ट्रिक फिल्ड एलंग दि एक्स एक्स आई केफ आस माइनस एक्स एक्स तेरे वन पॉइंट टू फाइव यूनिट कौन छुआ न्यूटन पर कुलम ये छुआ कन्फ्यूजन कर दुटा आंसर आई भी आई सामान अच्छी कितु आई जो करेक्ट आंसर हम कहीं माइनस वन पॉइंट टू फाइव आई केफ इलेक्ट्रिक फिल्ड यूनिट है न्यूटन पर कुलम न्यूटन कुलम स्क्वायर नुह ना छुआ जानते क्वेश्चन भूल कर आसवे आई भी हम नहीं छुआ यहाँ यूनिट भूल देखिए चेक कर छुआ मैंने एमती कन्फ्यूजन कर दिए तापर जो सात नंबर क्वेश्चन जाए देखो सात नंबर क्वेश्चन कौन कही कही एरिया ऑफ ए कैपेसिटर प्लेट्स आर डबल एंड द सेपरेशन बिटवीन दि प्लेट इज हाफ देन द कैपेसिटी इज फाउंड टू बी चेंजेस फ्रॉम सी वन टू सी टू तो देखो आम जानते पार्लर ऑफ कैपेसिटर सपोज एरिया अच्छी ए डिस्टेंस बिटवीन देम सी डी तेने कैपेसिटर सी वन फास्ट के एप्सिलॉन नॉट कहीं भितर मीडियम एयर अच्छी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाय डी एबे छदि आम कौन करवा ना एबे एरियाटा देखो एरियाटा कौन कराई डबल कराई एरिया ऑफ द प्लेट डिस्टेंसटा के डी बै टू हाफ कर दिया डिटेसटा नुआ डिस्टेंस के डी बै टू एरिया के टू ए कर दिया तेज सी टू न्यू कैपेसिटर के एप्सिलॉन नॉट ए डैस बै बी डैस एप्सिलॉन ए डैसटा के टू ए बै डी डैसटा के डी बै टू ऊपर टू पॉइंट फोर टाइम एप्सिलॉन ए बै डी दैट इज योर के सी टूटा के फोर टाइम सी वन तो ये रेसीो पचार सी टू वाई सी वन तो सी टू वाई सी वन के फोर बै वन फोर हम आंसर के फोर हम सी वन टू सी टू सी वन टाला फास्ट सी टू टाइम धरिया सेकेंड तर कहते आसो फोर आसो ठीक अच्छे चो ये वन बै फोर हो पारे ये कौन से प्रकार देना जे आम चेंज हो जाए सी वन टू सी टू आम कौटा सी वन कौटा सी टू देना कि मोस्ट एप्रोप्रिएट फोर हम कि दवा कथा जो सी वन टाला फास्ट के पैटर सी टू टाला सेकेंड के पैटर दवा कथा ठीक है तेज जाइए आमको भल लगे क्वेश्चनटा ना छो एमती अदा क्वेश्चन देने असुविधा हो जेनराली फोर आंसर डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस छो डायमेंशन कैपेसिटेंस के फॉर्मूला सी इक्वल टू क्यू बाय वी मन रखिए एंड छुआ बीटा पोटेंशियल बी पोटेंशियल कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस डी ताने क्यू सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए बोले भि लिख दीजिए तो ई इनटू डिस्टेंस ताने छुआ ऊपर ईटा कहते छुआ मैंने एफ बै क्यू फोर्स पर चार्ज इनटू डी ताने ऊपर कहते क्यू स्क्वायर बै एफ डी होगा बास ये लिख देने काम खत्म क्यू स्क्वायर बै एफ डी लिख देते जो फर्स्ट ऑफ कुलम्बिक फोर्स एफ डी होने छुआ क्यूरो डायमेंशन के क्यूरो डायमेंशन होगा एटी ए वन टी वन स्क्वायर अच्छी मैंने ए वन टी वन बहुत दिगुणा हो देन एफ डी एफ टा किसा फोर्स के एम वन एल वन छुआ इलेक्ट्रिक फिल्ड के फोर्स पर चार्ज एटा से नहीं पकेली ई बदल ए बाई क्यू टी माइनस टू एट फोर्स डायमेंशन डी एल लेंथ डायमेंशन जो करू पड़े के एम इनवर्स एल छुआ गोटे अच्छे दुई उपर पड़े के एल माइनस टू टी अच्छी छुआ दुईटा उपर मैंने फोर हो टी वन टी स्क्वायर माइनस टू उपर प्लस टू हो ए वन तान छुआ ए स्क्वायर सरी ए ए अच्छी ए स्क्वायर होते हम ए स्क्वायर छुआ ओल्ड मग है कि जमार ओल्ड मग कह पे हाँ एनी छुआ मैंने बिअर फिअर किसी एवं सेवन करें बड़े हमें भल जगह जी देन करते कि जमार किसी से मद्यद्रव्य किसी करें बल जुवा केशरी गजब बेजेतीयार मना करूला करने एडभटाइज एवं कला एडभटाइज तो डायमेनसन कैटे केम इनवर्स एल पावर माइनस टू टी फोर ए स्क्वायर केपसन थ्री ता देखो आठ नंबर क्वेश्चनटा छ देखो नौ नंबर क्वेश्चन ये मुझे यही भी करदे देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द ए बी कोई छुआ एटाला सी वन सपोज एटाला सी टू एटाला सी थ्री एटाला सी फोर एवं देखो छुआ सी वन बै सी टू रेसीो टू बै टू इक्वल टू सी थ्री बै सी फोर रेसीो तो यहाँ बालान्स ह्यूस्टन कंडीशन अच्छी मिडिल ए पॉइंट दीटा ये जो ए पॉइंट देखे दुटा पॉइंट यहाँ सेम पोटेंशियल थे मिडिल दे कि कौन से चार्जिंग हेनी तेनाली मिडिलटा गोटे फेक लगी छुआ मैंने फेक कैपेसिटर लगी चार्ज हेनी आम नवानी है ना तो मिडिलटा ओमिट करदे तेज छुआ मैंने कौन आसो आम फिगरटा दैट इज योर डिस्काउंट एंड डिस्काउंट तले आसो डिस्काउंट एंड डिस्काउंट ये आज एवं इजी हो गाला छुआ मैंने एटा टू मि टू एटा टू एटा टू ये दुरा परस्पर सीरीज अच्छे एवं जाने कैपेटन सीरीज सी इक्विवेलेंट के सी वन इंटू सी वन बै सी वन प्लस सी टू
टू इंटु टू बै टू प्लस टू के वन वन माइक्रोफराड तो ये मिसिक इक्विवेलेंटा वन माइक्रोफराड ये भी सीरीज होते वन माइक्रोफराड एवं परस्पर से कमी अच्छा पार्लर अच्छा तले गोटे उपरे गोटे एटा वन म्यूएफ एटा के वन म्यूएफ ओके तेज छुआ सी इक्विवेलेंट पार्लर के जस्ट सिंपल एड करदे सी वन प्लस सी टू के वन प्लस वन टू म्यूएफ छुआ ये क्वेश्चन टा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा गोटे कराई भाया क्वेश्चन गोटे प्रीवियस सीरीज रे आप देखिए छुआ मैंने यहाँ छुआ ये कथ मन रखिए सीरीज कनेक्शन आम आसे जस्ट सिंपल आपणकर सॉरी सीरीज कनेक्शन वन बै सी वन प्लस वन बै सी टू एमती आसे वन बै सी इक्विवेलेंट और पार्लर कनेक्शन जस्ट सिंपल एड हो जाए कैपिटेंस क्षेत्र में है तापर जे सर दस नंबर क्वेश्चन सब पढ़ते कौन कही लेंथ ऑफ ए गिवन सिलेंडर वायर इज इनक्रीज बाय 100% ओके लेंथ रे छुआ 100% इनक्रीज कर मानने छुआ मैंने के 12 ही थी एलडेस न्यू लेंथ रे कहते एल प्लस 100 बै 100% कहते 100 बै 100 इंटू एल के 12 एवं सहित लेंथ रे 12 इनक्रीज कर डायमीटर टाइम डिक्रीज कर मैंने एरिया कौन डिक्रीज करते डिक्रीज कर ए बै टू छुआ जब वॉल्यूम आम सेम रखा लेंथ जब दिगुणा इनक्रीज कर तेन छुआ एरियाटा को मस्ट भी कौन ना सिमिलरली वन बै टू कम होते पड़ो तेज जाकि वॉल्यूमटा कन्स्टांट रोज ओके देन एरिया भी प्रोपोर्शनली वन बै टू डिक्रीज कर चेंज इन रेजिस्टेंस पचारे छुआ मैंने छुआ देखो रेजिस्टेंस चेंज इन पचारे रेजिस्टेंस फॉर्मूला कहते आर इक्वल टू रॉयल बाय आर रॉयल बाय ए रोटा छुआ पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कह जाए रेजिस्टिविटी छुआ मैंने गोटे मेडियल मेटेरियल प्रॉपर्टी से लेंथ एरिया पर डिपेंड करें तर छुआ आरटा ये रोएल बै ये आर डेसटा के न्यू रेजिस्टेंस के रो एल डेस बै एडेस सेम मेटेरियल पर रोटा को सेम रखा एल डेसटा के छुआ 12 बै एडेसटा के ए बै टू तेनाली उपरक टू टू फोर हो 4 रोएल बै ए हो तेने 4 टाइम्स आर हो छुआ न्यू रेजिस्टेंसटा 4 आर होगा एवं चेंज इन रेजिस्टेंसटा के आर डेस फाइनाल माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस बै इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100% आसो तेने छुआ आर डेसटा के 4 आर माइनस आर बै आर इंटु 100 तो 3R/R के 3 इंटू 100 के 300% तेनाली आंसर कौन आस मैंने 300% केमी कले छुआ मार्क करूँ 300% ठीक अच्छे रेजिस्टिविटी नहीं करदे रेजिस्टिविटी सेम रखिए ओके 300% कौन हम रेजिस्टेंसटा इनक्रीज कर 11 नंबर क्वेश्चन देखो सैट्रे मुझे एपटे मुझे लिभे देखिए सैट्रे मुझे है डिजिटल बोर्ड में सबकि संभव यस पे गजब डिजिटल बोर्ड है ओके एंड 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ु समस्ते छुआ भिड को सेयार करदे है कि ना चैनल को समस्त लाइक करदे आउ सब्सक्राइब आप तो जानते आ मेटेरियल बी हेज ट्वाइस दि स्पेसीफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेरियल ऑफ ए माने स्पेसीफिक रो ताने रेजिस्टेंस ऑफ रो बी हेज ट्वाइस कहार द्विगुणा कह रेजिस्टेंस ए रेजिस्टेंस टू एंड छुआ सर्कुलर वेयर वेयर मेड अप ऑफ बी हेज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ दि वेयर मेड अप ऑफ ए तेरे डायमीटर ऑफ बी इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ ए गोटे काम करते एरिया कही दिखते कैसे हम तेरे रेडियस ऑफ बी भी कैसे हो टू टाइम्स रेडियस ऑफ ए कहीं डायमीटर है टू टाइम्स रेडियस तो आर बीटा कहते टू टाइम्स रेडियस होने छुआ मैंने गोटे पाए एपटे गुण आगे कौन करूँ गोटे काम करूँ बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिखुं आर बी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स आर एर स्क्वायर हो पाए गुण दिखुं पाए आर बी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स पाए आर एर स्क्वायर यहाँ किस छुआ मैंने बी तार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ताने एरिया ऑफ बी तार इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ए तार ये बाहर पाला पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर वेयर कही कही देन दि टू एयर्स ऑफ हैव सेम रेजिस्टेंस ताने रेजिस्टेंस ऑफ ए इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ बी कही पचे रेशियो ऑफ द लेंथ लेंथ रेशियो के आप पढ़ते ऑलरेडी यही क्वेश्चन करी यही क्वेश्चन करते छुआ रेजिस्टेंस के रॉयल बाय ए तो रो फर्स्ट मटेरियल ए मटेरियल इनक्लूड लेंथ ऑफ ए मटेरियल बाय एरिया ऑफ ए मटेरियल इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ बी मटेरियल ठीक अच्छे इंटू लेंथ ऑफ बी मटेरियल बाय एरिया ऑफ बी मटेरियल एमती करदे पाइबे एल ए बाय एल बी पचार कि एल बी बाय एल रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव लेंथ कही फर्स्ट बाय सेकंड धरिए जनरली तेनाली कत छुआ मैंने रो बी इंटू एरिया ऑफ ए बाय रो ए इंटू एरिया ऑफ बी ये जी कर छुआ देखो रो बी देखो रो बीटा है टू टाइम्स रो ए रो बीटा टू टाइम्स रो ए हो एरिया ऑफ ए सेमती रखीदे रो ऑफ ए अच्छी एंड छुआ एरिया ऑफ बी के 4 टाइम्स एरिया ऑफ ए करदे एरिया एरिया कैंसल होगा रो कैंसल दुई दुनिया 4 के आसो 1/2 तर के आंसर आसो हाफ आसो ठीक अच्छे हाफ आसो आंसर 11 नंबर आई छुआ क्वेश्चन में यहाँ भी टी प्रोब्लेम अच्छे लांगुएज कही था फास्ट बै सेकेंड वेयर
है सेकेंड बै फास्ट भी हो टू हो आंसर तो ये किसी मेनसन करना मैंने आम जेनेली फास्ट बै सेकेंड द्वारा कहते हाफ आस आंसर ताप देख बानर क्वेश्चन कही बहुत इंपोर्टां क्वेश्चन छुआ यहाँ ही इंपोर्टां क्वेश्चन मन रखुदू मैग्नेटिज्म आसी ए बीम ऑफ प्रोटॉन इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस माने प्रोटॉनटा इज डायरेक्टेड माने प्रोटॉनटा मोशन करुचु क्या मैग्नेटिक फील्ड जब गोटे चार्ज पार्टिकल मोशन करे तापर फोर्स पड़े कोपर डायरेक्शन रे नेगेटिव एक्स एक्सिस माने तार वेलोसिटी को होची माइनस जे कैप डायरेक्शन डायरेक्शन धरन तोला खाली डायरेक्शन धरन दरकार नहीं तार मैग्नीट्यूड केते वेलोसिटी रहला इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को एक्सिस रे पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस माने पॉजिटिव धरिया पॉजिटिव वाई एक्सिस माने नेगेटिव एक्स एक्सिस कोई ना ओहो ये एक्स एक्सिस कोई वेलोसिटी माने माइनस आई के नेगेटिव एक्स एक्सिस माने माइनस आई के बीटा क्या रोक वाई एक्सिस दैट इज योर बी नॉट सम कांस्टेंट वैल्यू इनटू जे के वाई एक्सिस एबे छुआ बीम डिफ्लेक्टेड क्वाड माने तापर फोर्स लगे से डिफ्लेक्टेड हे तने मैग्नेटिक फोर्स फॉर्मूला केते एफ एम इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी छुआ बीटा कोई डायरेक्शन ले माइनस आई के डायरेक्शन ले बीटा केते जे के डायरेक्शन ले भूली जातु बी नॉट केते भी केते भूल जातु आई क्रॉस जे केते आसे के माइनस फिट अच्छे माइनस के के छुआ माइनस के के डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सीस तने कौटा हे बार नंबर नेगेटिव जेड एक्सीस ओके तेरह नंबर क्वेश्चन जो छुआ तेरह नंबर क्वेश्चन कौन कही पढ़ु कही मैग्नेटिक इंडक्शन डायमेंशन मैग्नेटिक इंडक्शन माने बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी केते आसे छुआ पढ़ी तार डायमेंशन पचार फोर्स केते आसे गोटे गोटे कंडक्टिंग वायर लेंथ एल जी आई करंट फ्लो हो फोर्स केते आसे एफ इक्वल टू बिल जनरल केस रे बिल आसे माने आई एल क्रॉस बी आसे ताने ये छुआ बी केते पाइबा एफ बाई करंट आई इंटू लेंथ एफ के आमर फोर्स एम वन एल वन टी माइनस टू फोर्स बै करेन्ट के छुआ आम्पियर ए लेंथ केते एल ताने केते ही जो एम वन एल कटी जाइए ऊपर तले गोटे एल वन कटी जाइए टी पार माइनस टू ए इनवर्स जो तले अच्छे यहाँ ऊपर गोटे इनवर्स ताने एम वन एल जीरो टी माइनस टू इनवर्स ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर हे ताप देख चौदह नंबर क्वेश्चन कौन कही चौदह नंबर क्वेश्चन कही चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंटर से रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विथ द वेलोसिटी बी देन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट चार्ज पार्टिकल ओके ओके कौ एंगेल पचार नहीं तो रीजन ऑफ चार्ज पार्टिकल चार्ज एंटर से रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी विथ द वेलोसिटी बी अच्छा एफ एम टा कहते आसे क्यू भी क्रॉस बी किंतु क्वेश्चन ले कोई कौन हम चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगे देखो नेभर जीरो जीरो तो हो पार छुआ मैंने जदि यहाँ कहते हैं क्यू भी बी साइन थीटा जो थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री आसीज से जीरो होलवेज जीरो हेनी जीरो हेले जीरो आसो कि वन एट्टी डिग्री हेले जीरो आसो किंतु अलवेज जीरो हेनी जीरो इफ जीरो ओनली इफ एंड आर पार्लाल छुआ एंटी पार्लाल हेले भी कौन आस जीरो पार तर ये अप्सन तीन टाइम अप्सन कटिगला जीरो ओनली इफ एंड आर परपेडिकुलार ये छुआ टे क्वेश्चन मैंने आंसर भूल देखिए ये कही था किस आंसर टे भूल देखिए पे ये टे देख चेक करूँ जीरो दि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट चार्ज पार्टिकल जीरो ओनली इफ परपेडिकुलर है तो छुआ मैंने साइन नाइंटी वन क्यू बी बी परपेडिकुलर है सर्कुलर यहाँ हेनी क्वेश्चन जीरो ओनली आर पार्लाल ये छुआ मैंने ओनली जीरो ओनली इफ से चार्ज पार्टिकल कर पार्लाल एंट्री कर एंटी पार्लाल एट ऑप्शन थ्री एप्रोप्रिएट आंसर किंतु ओनली हो बने जीरो ओनली आईदा छुआ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मोशन करेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन एंटी पार्लाल तो कही था जीरो इफ पार्लाल और एंटी पार्लाल टू दिखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऑप्शन थ्री जो करेक्ट आंसर हम किंतु ओनली लगे दीजिए कन्फ्यूजन अच्छी छुआ मैंने ये ऑप्शन टाइम कन्फ्यूजिंगटा अच्छे मैंने ओनली हेनी जीरो ओनली इफ एंटी पार्लाल एंड आर पार्लाल है एमती ही था जो भरी था कि एटा भी हो आंसर किंतु ओनली लगे ओनलीटा लगे कथ नुहे जीरो इफ दे आर पार्लाल होता है एमती ओके पंद्रह नंबर क्वेश्चन कौन कही देखो बढ़िया इंपोर्टां क्वेश्चन टा टू थीन बार मैग्नेट इच ऑफ लेंथ दुटा बार मैग्नेट अच्छी इच ऑफ लेंथ एल अच्छी पल्सटेन्स मल एम अच्छी आर प्लस राइट एंगल ओहो मैंने एमती अच्छा यार भी लेंथ एल अच्छी मैग्नेट मोमेंट मैंने पल्सटेन्स एम अच्छी इच अदर विथ नॉर्थ पोल ऑफ वन पॉइंटिंग टू द साउथ पोल ऑफ अदर हो तान नॉर्थ पोल ऑफ वन पॉइंटिंग टू द साउथ पोल ऑफ अदर एटा जब आम साउथ पोल धरिया एपटे नॉर्थ पोल ताने माने पॉइंटिंग अपोजिट ऑफ द अदर अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम तो सिस्टम मैग्नेटिक मोमेंट पचार छुने देखो एम जो छुआने आम कहना इफेक्टिव लेंथ बाहर कर दवा यदि एल एल अच्छी राइट एंगल ट्राएंगल अच्छी एटा के रूट ट्वेल्व तेने इफेक्टिव लेंथ के रूट ट्वेल्व बिटवीन टू पोल एस आउ एन साउथ आउ नॉर्थ रहा छुआ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला किस मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला पल्स स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ दैट इज रूट ट्वेल्व अच्छी रूट टू टाइम्स एम एल हो तान रूट टू टाइम एम एल जो करेक्ट आंसर हे जो ऑप्शन में देखो कौन से ऑप्शन ना रूट थ्री देखिए रूट टू एम एल देखा एक्चुअली है तो ये ऑप्शन सब भूल अच्छे
सो इफेक्टिव लेंथ बाहर कर बिटवीन टू पोल एन आउ एस तेने आंसर आम रूट टू एम एल आस तो पंद्रह नंबर क्वेश्चन चेक करेंगे है तरह षोह नंबर क्वेश्चन जदि किसी भूल लगे मत कमेंट कर जनई पारे ओके द स्टील वायर ऑफ लेंथ है एल हेज ए मैग्नेटिक मोमेंट है कैपिटल एम इट इज देन बेंड इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क तो गोटे लेंथ अच्छे छुआ मैंने एल अच्छी भावतु दुटा भितर लेंथ अच्छे एल भाव बार मैग्नेट भाई भावतु दुटा पोल भितर लेंथ के एल छा मैग्नेटिक मोमेंट के एम इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम भावतु पोल स्ट्रेंथ के स्मॉल एम इंटू लेंथ है एल एवं छुआ से ही लेंथ कोई गोटे बेंड कराई कौन कर गोटे सेमी सर्कुलर वेयर कराई सेमी सर्कुलर वेयर रेडियस कर दिखाँ टू आर रेडियस अच्छी तेज छुआ मैंने सेमी सर्कुलर सर्कमफेरेंस के पाई आर तो लेंथ रेते पाई आर एवं रेडियसटा के एल बै पाई मन रखु एमती करेंगे देन छुआ न्यू मैग्नेटिक मोमेंट के पोल स्ट्रेंथ इंटू ताक इफेक्टिव डिस्टेंस के टू आर ए देखो ये दुटा पोल स्ट्रेंथ ताक इफेक्टिव डिस्टेंस के टू आर अच्छी परपेन्डिकुलर डिस्टेंस टू आर अच्छी तो कहते एम इंटू टू आर तो पोल स्ट्रेंथ है एम इंटू टू टू टाइम्स आर टे के एल बै पाई जो आम कर देखो टू टाइम्स एम एल बै पाई हो एम एल टाइम छो फास्ट मैग्नेटिक मोमेंट था तेरे टू एम बै पाई हो करेक्ट आंसर एटा गोटे बी एस टी सेट्रे मुझे करी छो मैंने टी डब्ल्यू सेट्रे तो टू एम बै पाई राइट आंसर ताप देखो जो सतर नंबर क्वेश्चन जी टी रुतु मुझे चेंज कर दिए ओके उपरूटे नहीं जाए ओके देखो सतर नंबर क्वेश्चन कौन कही पढ़ु को ऑफिशियल सेल्फ इंडक्टेंस टू कॉइल दुटा कॉइल गोटे एल वन के 10 हेनरी आउ एल टू दे 160 हेनरी ओके छुआ मन रखता कोई गोटे सेल्फ इंडक्टेंस को एल कह जाए एंड दि भैल्यू अफ दि म्यूचुअल इंडक्टेंस जब एम छुआ मैंने भैल्यू अफ दि जनरली म्यूचुअल इंडक्टेंस के आसे एल वन एल टू रूटर करदे ठीक अच्छे तेने छुआ एल वन के 10 एल टू के 160 रूटर के षोलश रूटर दे 40 आसो आंसर के 40 हेनरी तेरे म्यूचुअल इंडक्टेंस यूनिट कौन आस 40 हेनरी तेने के 40 हेनरी जो राइट आंसर आसो म्यूचुअल इंडक्टेंस यूनिट ओके अठर नंबर क्वेश्चन सब बारंबार मुझे क्वेश्चन बहुत थोर कर सारी आउ कह बेसी कोई गोटे स्मॉल बार मैग्नेट हेल्ड वर्टिकल एंड ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट इनटू मेटल रिंग ऑफ रेडियस एति ताछ मुझे बारंबार ये क्वेश्चन कही आपको जो सब गोटे मेटाल अठर नंबर लेंस जो आप पढ़ी गोटे मेटाल रिंग अच्छी से सपोज एम गोटे कौन करें गोटे मैग्नेटा को नॉर्थ पोल साउथ पोल एम छाड़ा तो कौन जो आम से पाक आसो तो मैग्नेटिक फ्लक्सटा बढ़ो तो जब बढ़ो मैंने तार कौन इंड्यूस करंट प्रड्यूस हम जमी से अपोज कर इनक्रीज जाए सी कौन कर एंटीक्लॉक वाइज गोटे करंट फ्लो कर फल नॉर्थ पोल क्रिएट कर फल से करंट कौन कर तार स्पीडटा को एक्सलेशनटा कमेदेव तरह ये स्पीडटा कमी जितने से बाहर की जीव कौन हम छुआ मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स को कमी फल लेंस लेवल अनुसार कौन कर मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाया चेस्ट कर तो सी सबको सपोर्ट कर मैंने जो देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल हाँपाई सी गोटे कौन कर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आम कौन करंट फ्लो करदेव तो गला बेले बाहर बेले आसला बेले मैंने पसला बेले बाहर बेले कौन ये स्पीडटा कमे दूसरी क्या जी ठू तो कौन आसो छुआ लेस देन जी आसो छुआ यहाँ बहुत थोर कही बेसी कौना ये मन था ये क्वेश्चन छुआ एक्सलेशन ऑफ दि मेटल सीट मेटल सेल तो एक्सलेशन ऑफ दि जो मेटल सेल मैग्नेट सेल हाँ मैग्नेट सेल ये सी एल एल था मैग्नेट सेल बार मैग्नेटा कौन एक्सलेशनटा लेस देन जी आसो छुआ स्पीडटा कमी जो ओब्वियसली छुआ मैंने लेंजेस लॉ अनुसार जो सी इनक्रीज कर डिक्रीज करने चेस्ट करेंगे पलाऊ टाणी चेस्ट कर जिते बड़े आसुव छुआ मैंने कौन तो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्डा बढ़ो और अपोज कर जीव मैग्नेटिक फील्डा कमी कमी जीव सी ग्रोथ करेब है यहाँ कौन लेंजेस लॉ पढ़ी आप 19 सन स्किल्स फादर लेंस लॉ एप्लीकेशन आप पढ़ी ताप देखो छुआ 19 नंबर क्वेश्चन कही सर्किट कंटेन रेजिस्टेंस ई एंड आई ओनली रेजिस्टेंस ओनली हो रेजिस्टेंस ओनली अच्छी एंड ई एंड आई आर गिवन दे छुआ देन पचे ई दे 200 साइन दे के ईएमएफ 200 ई नॉट है ई नॉट है मैक्सिमम ईएमएफ साइन 200 टी एंड छुआ आई के 100 साइन 200 टी जब छुआ प्योर रेजिस्टिव सर्किट छुआ मैंने आंकर फेज डिफरेंस जीरो आसे देखो ये फेज डिफरेंस कौन से ना तो फेज फाइ के 0 डिग्री एंड छुआ ये आई नॉट मैक्सिमम करंट तेज छुआ आम पावर के डिसिपेटेड पावर के आई आर एम एस ई आर एम एस इंटू कॉस फाइ जो फाइटा छुआ 0 कॉस फाइटा के 1 पार फैक्टरटा कहुए कॉस फाइ 1 प्योर रेजिस्टिव सर्किट आसे आई आर एम एस टा के आई नॉट मैक्सिमम करंट बाय रूट 2 इंटू ई आर एम एस टाला ईएमएफ बाय रूट 2 तेज छुआ आई नॉट टा के 100 इंटू आई ई नॉट टा के 200 बाय 2 हो दुरे कहले 100 हो तेने के छुआ मैंने भूल कल छुआ मैंने 200 बै 2 हो आई आर एम एस तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन टा के 100 200 बै 200 तेने के आसो एट छुआ मैंने आसचु 10^4 वाट आसचु तो ये छुआ मैंने अप्सन ना 1000 वाट दे था ठीक ही था
आउ थे चेक कर दे क्वेश्चन टा परफेक्ट भि आर एम एस आई एम एस कॉस फाइव कॉस फाइव वन हो गला आई आर एम एस टाला आई नॉट बाय रूट टू ईआर एम एस टाला आई नॉट बाय रूट टू आई नॉट टाला हंड्रेड एटा टू हंड्रेड बाय रूट टू इंटू टू हो गला दुई सौ तो टेन टू एफ फोर वाट आज छुआ मैंने मतलब चेक कर आंसर टा चेक कर मतलब जनइबे छुआ ठीक अच्छे ना भूल कर कहीं मो अनुसार टेन टू एफ फोर हा कथा कैलकुलेसन तो ठीक अच्छे सब ठीक अच्छे टेनसन नहीं छुआ मैंने सब ठीक अच्छे मे भी छुआ मैंने क्वेश्चन ऑप्शन ले चे हजार देना ओके हौ पावर डिसिपेटेड ठीक अच्छे पावर ओके ठीक अच्छे तो सर दुई कोड़े नंबर क्वेश्चन कहुत कौन हम आंसर एटा लिभेदे पे मत उन्नीस मिनट चेक करेंगे देखते सर कोड़े नंबर कौन कही देखिए इंडक्टेंस ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हुज रिएक्टेंस छुआ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल लिखा जाए के मैंने बैस छा बैस ना के बैस भावतु बैस ओम भाव नि दुई कोड़े कि बैस मुझे ठीक से जानी छुआ ये मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छे कनेक्टेड टू फ्रिक्वेन्सी के 200 हर्ज अब गोटे 220 बड़ा 50 हर्ज मैंने पावर लाइन मैंने एसी हर्ज भावतु पावर लाइन कनेक्शन अच्छी ह्वाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस तापर पड़ी थे एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे अच्छे ओमेगा एल ओमेगा टू पाई एफ एल ये छुआ एल मांगी इंडक्टेंस कैसे एक्सएल बै टू पाई एफ एक्सएल टा के बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टाइम के बैस बै टू इंटू पाई टाइम 3.14 इंटू एल एफ टा के 200 जब आम काटे दुई काटे 11 तो आम सब कैलकुलेटर यूज कर दूसरे मैंने तेत मैंने 11 हरण 3.14 हरण 200 तने आंसर हम 0.0175 हेनरी तने 0.0175 हेनरी एटा 22 दे कि 220 दे आप चेक करेंगे कहीं क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक होता ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग ऑफ फूड आउ यूटेंसिल तो स्टेरिलाइजिंग ऑफ फूड यूटेंसिल कौन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब न बढ़िया हाई छुआ मैंने कौन गामा रेज यूज हुए यहाँ गामा रेज तो छुआ गामा रेज जनरली यूज हुए तो आप मतलब कमेंट कर जनइबे कौन यूज हुए गामा रे ना कौन हुए है फूड को गरम करने कौन यूज हुए माइक्रोवेव पढ़ी थे आप समस्ते है छा 22 नंबर देखते कौन कही टू लेंस सेविंग पावर 8 डायोप्टर माइनस 6 डायोप्टर प्लस कंटैक्ट सो देन पावर इक्विवेलेंट कते आसे जरा कंटैक्ट थिने P1 प्लस P2 तने गोटे हो 8D माइनस 6D कते हिजो 2D हिजो प्लस 2D तने कते हो प्लस 2D हिजो मन रखियो ठीक अछि कते आसीओ प्लस 2D तापर जे छ माने कते नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखो 23 नंबर क्वेश्चन मु जस्ट ट्राई करथि थरे एबे जो आसीला देले क्वेश्चन टा कोइ छि क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर मीडियम ओके आपड़ क्रिटिकल पड़ते हैं साइन आई सी के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर एयर मीडियम बाय रिफ्रेक्टिव डेंसर मीडियम छुआ रेयर एयर मीडियम रिफ्रेक्टिव एयर दे मैंने 1 बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम जोटा ग्लास कही छुआ देखो ये भावलेट लाइट एट प्रिवियस भी करी भावलेट लाइट रेलेन्थ सब कम ताप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बहुत अधिका हो अधिका सब हम जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अधिका हम तो छुआ साइन क्रिटिकल एंगल कौन आसो कमी जो वैल्यू तेने कस हम भावलेट लाइट पर क्रिटिकल एंगल मिनिमम हम बहुत से मन रखु तापर जो सिंपल क्वेश्चन टा व्हेन ए बीम ऑफ रेड लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय प्रिज्म एट ए मिनिमम डेविएशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस छुआ मिनिमम डेविएशन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस टा एंगल ऑफ इमर्जेंस सहित सामान थाए तो इक्वाल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस हम छुआ मैंने टेनसन जमार ने मैंने जब मिनिमम डेविएशन अच्छी तेने इक्वाल लिखा आई इक्वाल टू ई तापर देखते 25 नंबर छुआ मैंने कही ऑब्जर्वर लुक्स ए ट्री हाइट 20 मीटर विथ ए टेलीस्कोप ऑफ मैग्निफाइंग पावर 30 टू हिम द ट्री अपीयर्स छुआ टेलीस्कोप ऑफ मैग्निफाइंग पावर कैसे आसे विजुअल एंगल ऑफ इमेज क्रिएट बाय विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट छुआ विजुअल एंगल केमी आसे हाइट बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज हाइट बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जब आम करवा मैग्निफाइंग 30 देजी हाइट कटिज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज तुआ टीटा अपीयर्स हम इमेजा के डिस्टेंस ऑफ इमेजा के डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 30 तेने कते हम 1/30 टाइम मैंने 30 टाइम्स नियरर होते हम दि टीम टा एपिरस के 30 टाइम नियरस्ट पाकू पलि आसो 30 गुणा पाकू पलि आसो मन रखियो हला कारण टेलीस्कोप कौन करे पाकू नहीं आसो इमेज को बड़ करे नहीं पाकू नहीं आसे बड़ हुए नहीं इमेज टा पाकू नहीं आसे हला आखि पाकू नहीं आसे ओके देखो एम्पलीट रेसीो ऑफ टू सुपर इम्पोजिंग वेव 2:1 तेने छुआ A1 बाय A2 रेसीो के 2:1 रेसीो द मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी छुआ तेने छुआ A1 भाभी नियंतु 2K समथिंग A2 के 1 अच्छी 1K भाभी नियंतु एमती हेला तारे छुआ मैंने ये मैक्सिमम या मिनिमम इंटेंसिटी कैसे आसो आई मैक्स बाय आई मिनिमम कैसे आसे छुआ मैंने फर्मुला मन रखुद आई1 रूट ओवर प्लस आई2 रूट ओवर बाय
स्क्वायर बै आई वन रुट ओवर माइनस आई टू रुट ओवर मिनिमम पर तार स्क्वायर आसे एटा लिख पारे ए वन प्लस ए टू कहीं आंप्लीट्यूडा इंटेनसीटा आंप्लीट्यूड स्क्वायर तार स्क्वायर बै ए वन माइनस ए टूर स्क्वायर ए वन ए टू के टू प्लस वन दे थ्री स्क्वायर टू माइनस वन वन स्क्वायर तरह के मैंने नाइन बै वन नाइन इज टू वन इज करेक्ट आंसर हम तरह कौटा हम नाइन इज टू वन तापस सतैश क्वेश्चन करते पड़ो कि कौन अच्छी यंग एक्सपेरिमेंट रेसियो ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी नाइन इज टू वन दि रेसियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन सेम टू इज टू वन आसो एम्पलीट्यूड रेसियो द्वारा टू इज टू वन थिला इंटेंसिटी मैक्सिमम बाय मिनिमम के नाइन इज टू वन एवं छुआ मैक्सिमम मिनिमम दे दीजिए कहते नाइन इज टू वन तेनाली एम्पलीट्यूड के आसो टू इज टू वन एटा बहुत थर कर आउ करू ना पिला मैंने फर्मुला यूज करेंगे देखिए करेंगे बाहर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर तल क्वेश्चन सेम अच्छे मैंने खाली जस्ट सिंपल आंसरटा उल्टा हे तापे देखो अठाईस नंबर दि प्लेन कंटेनिंग दि इंसिडेंट रे पैरेलल टू दि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आउ इंसिडेंट रे भितरे जो प्लेन कंटेनिंग था इज कॉल्ड प्लेन ऑफ किस कहते पोलराइजेशन जनरली कहते कौन कहते प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मन रखिए छुआ डेफिनेशनटा तापर देखो छुआ मैंने कौन क्वेश्चन कही उनतीस तीस जदि किसी भूल लगे मतलब कमेंट कर जनई पारे ठीक है मनुष्य मात्र भूल हो पारे छुआ मैंने मुझे किसी भूल कही थी पारे तो अपने कमेंट करेंगे उनतीस नंबर फॉर ए पार्टिकल ऑफ एटम डी ब्रॉली वेवलेंथ इक्वेशन प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फॉर व्हिच पार्टिकल हो व्हिच पार्टिकल छुआ इलेक्ट्रॉन पर आसाला हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन लाइक एटम प्रोटॉन चारिपटे इलेक्ट्रॉन घूरू ऑर्बिटर घूरू तार सी एंगुलर मोमेंटम कैसे करते एमबीआरटा कैसे होता है एनएच बाय टू पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कॉट एटा किस प्लांक्स क्वांटाइजेशन रूल तो आप देखिए छुआ मैंने एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज था आउ सी फॉर इलेक्ट्रॉन पर धरते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट छुआ फोटोइलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेंथ क्या डिपेंड कर इंटेनसीटी डिपेंड कर कहीं छुआ इंटेनसीटी बढ़े आमर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ी नंबर ऑफ फोटॉन बढ़े नंबर ऑफ फोटो करंट बढ़ी तेनाली स्ट्रेंथ ऑफ फोटो करंट बढ़ी किस इंटेनसीटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मन रखिए स्ट्रेंथ ऑफ फोटो करंट क्या डिपेंड करे इंटेनसीटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन तो ये था आजिकार छुआ मैं 30 क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज फॉर सुपर एमसीक्यू सीरीज तो आशा करूँ वीडियो भल लगे जो वीडियो भल लगे वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जय जगन्नाथ बाय बाय टाटा नेक्स्ट वीडियो में मुझे आपको नहीं आसमी न्यू वेकल सीरीज फ्रॉम ब्यूरो बुक जय जगन्नाथ बाय बाय।